साथ अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अपने दो डार्क ईयर्स के बारे में मैंने बात करी थी। उस टाइम रियली लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था और मुझे ऐसा लग रहा था, डर था कि कहीं मेरी मेंटल हेल्थ इससे खराब ना हो जाए, और उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिसेस करी थी। वो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था जिसमें मैं सबसे ज्यादा परेशान और दुखी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं लड़के रहूंगी और अपने आप को मजबूती से खड़ा किया, खुश रही। तो मैं किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर कर पाई, खुश रह पाई, उसके लिए मैंने क्या किए इफर्ट्स, सबसे पहले तो मैंने कुछ चीजें प्लान करी, उनको उन पर विश्वास किया, प्रैक्टिस करी, और फिर मेरे सामने एक बिल्कुल नई लाइफ आ गई। वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो यही ढूंढना था कि परेशानी या दुख का कारण क्या है। हालांकि चीजें बिल्कुल क्लियर थीं, बहुत सारे लोग थे जिनकी बातें मेरे ऊपर असर डाल रही थीं, और मुझे बहुत ज्यादा परवाह होती थी उन लोगों की बातों की जो मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही थीं। उन बातों को मैं जितनी बार भी बच्चों से डिस्कस करती थी वो बातें और ज्यादा बड़ी हो जाती थीं। तो सबसे पहले जरूरी ये था कि उन बातों को डिस्कस करना बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि मार्केटिंग में एक चीज होती है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को नेगेटिव भी बोलते हो उनके लिए, तो आप एक तरह से उन्हें प्रमोट करते हो। तो जब हम ऐसे लोगों की बातों को डिस्कस करते हैं ना, तो उन्हें बड़ा बनाते जाते हैं और वो हमारे दिमाग में वो लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी जरा जरा सी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा चुभने लगती हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ऐसे लोगों की बातों को डिस्कस करना बिल्कुल बंद किया, और हालांकि वो मेरे घर के ही लोग थे लेकिन डिस्कस करना, बात करना बिल्कुल बंद किया उनके बारे में। और इसके साथ साथ फिल्टर किए वो लोग जो कि मेरे शुभचिंतक थे या मेरे बारे में सही चीजें बोलते थे और मुझे मोटिवेट करते थे। उन सारे लोगों को मैंने एक ग्रुप में जोड़ा, उनसे डेली बात करना, जब भी टाइम मिले व्हाट्सएप करना, उनको मैं अपने कॉन्टैक्ट में रखने लगी, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिला। बिल्कुल इसी तरह से देखिए जैसे ये मेरे सारे वासेस हैं, एक तरह के हैं, जब ये अलग अलग रखे थे तो इतने सुंदर नहीं लगते थे, जब इकट्ठे रख दिया तो देखिए कितने ये सुंदर लग रहे हैं। तो ये था मेरा पहला मंत्रा कि ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी, परवाह ही नहीं करनी है जो कुछ भी गलत बोलते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर के कितने ही नजदीकी लोग क्यों ना हो। और जो दूसरी चीज़ थी वो भी बिल्कुल उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी, और वो था जजमेंटल होना। हम क्या करते हैं, बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, किसी के भी मूव को हम अपने अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। वो मेरे घर नहीं आता या आती तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, इनवाइट किया नहीं आए तो इसका मतलब वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। इन सारी चीज़ों को ना जज मत करिए, बिल्कुल कैलकुलेट मत करिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। कोई नहीं आता लेकिन आपका मूव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर कोई नहीं आता है तो उसकी एक्स वाई जेड रीज़न है, लेकिन उन रीजंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसके घर नहीं जाते हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप बिल्कुल उसके जैसे ही हो गए। तो दो दिमाग बिल्कुल अलग होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और उसी हिसाब से अपने डिसीजन और लोगों को हैंडल करने का तरीका भी। तो मैंने आपसे कहा ना, प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा सोचिए उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपके यहाँ कोई नहीं आया या कोई भी एक्स वाई जेड बात हुई ना, उसको बस हमें कुछ सेकंड सोचना है और दिमाग से निकाल देना है, और बिल्कुल यही मैंने प्रैक्टिस करी, और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इस चीज में बिल्कुल सक्सेसफुल हूँ। एक चीज और जो मेरी लाइफ में जिसने बहुत बड़ा चेंज लेकर आई, और वो थी मेरी बच्चों के साथ शेयरिंग और बॉन्डिंग। ये चीज़ मैंने टाइम के साथ डेवलप करी है, और मेरी बच्चों से बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसी बॉन्डिंग ने मुझे उस एक डार्क टाइम से निकालने में मदद करी है। और आज मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ हैं, और मेरी उनसे तकरीबन हर चीज़ को लेके एक बहुत ही अच्छी शेयरिंग होती है। शानू जा रहा है आज, जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा मूड सा
ऑफ हो जाता है मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, इसे पढ़ना भी है, पढ़ेगा नहीं तो और बुरा लगेगा। अब ये जा रहा है तो बाय बाय कर दो सबको। तो शानू आप सबको भी बाय बाय कर रहा है। सब आप लोग सब बहुत प्यार करते हो शानू को, हमेशा पूछते हो, है ना। तो शानू अब जा रहा है, बाय करो चलो सबको, सब बड़े लोग हैं, आप सब लोग आशीर्वाद जरूर देना इसको। नमस्ते। Maybe said too much, 'cause you don't understand. You got me gone. जब आप सेल्फ केयर करते हो तो अपने ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। मैंने सबका ध्यान रखा और अपना नहीं रखा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खोया, जिसकी वजह से मुझे एक ऐसी फेज आई जिससे निकालने के लिए अपने आप को मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो अगर मैं शुरू से इस चीज़ पे ध्यान देती तो शायद मैं मेंटली और फिजिकली इतनी स्ट्रांग होती जितनी कि मैं आज हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था उस टाइम से ही कि मैं अपने ऊपर पूरा फोकस रखूंगी और इसके मुझे वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है ना, हमारी हेयर की स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं और इसके ढेर सारे रीजन हैं। कभी बीमारियों से, कभी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट से, सन एक्सपोजर से, या अगर कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया है ना, उसमें भी प्रॉपर डाइट अगर नहीं होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था वेट लॉस प्रोग्राम तो मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ था और मेरी स्किन पे ना थोड़े से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम शैम्पू चेंज कर लेते हैं, कंडीशनर बदल लेते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह खरीदने लगते हैं, रिव्यू देखने लगते हैं और उन्हें अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों को केवल एक तरीके से सही किया जा सकता है, इनकी रूट्स पर काम करके। यानी कि आपको ऐसा खाना खाना है जो कि अंदरूनी तौर पे हमारे इन चीजों को सही करे। और हमारा जो डेली का खाना होता है उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि वो हमारे शरीर की इन जरूरतों को पूरा कर सकें। तो मैं जो आज आपको बताने जा रही हूं बहुत ही बढ़िया है, और वो है न्यू हर्ब्स का हेयर और स्किन विटामिन। इसमें है 9 तो विटामिन है, 6 मिनरल्स हैं और बहुत ढेर सारे हर्ब्स एक्सट्रैक्ट हैं। न्यू हर्ब्स हेयर स्किन विटामिन में है ग्लासीन, L-cysteine और अमीनो एसिड्स विद द बायोटिन और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल पाउडर और दूसरे विटामिन और मिनरल जो हेयर हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉमग्रेनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लाइकोपीन, ये फाइट करते हैं बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से और इनिशियल हेयर इश्यूज से रिकवर करते हैं। ये सब मिलकर हेयर को नरिशमेंट देते हैं और हेयर के टेक्सचर को मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। हेयर केयर के साथ साथ इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो कि बॉडी टिश्यूज को वेल ल्यूब्रिकेटेड रखता है, मॉइस्ट रखता है और नरिशमेंट भी देता है। और जो प्रिमरोज ऑयल पाउडर है उसमें है गामा लेनोलेनिक एसिड जो कि प्रमोट करता है एक गुड स्किन को। इसमें है टर्मरिक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि स्किन इन्फ्लेमेशन, इचिनेस, ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम से फाइट करता है, हेल्प करता है हेल्दी सबल कम्प्लेक्शन मेंटेन करने में। और ये इंग्रेडिएंट्स रफ, रिंकल्ड, पैची स्किन जैसे इश्यूज जो कि एज और एनवायरमेंटल चेंजेस से होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है स्किन को एक अच्छा नरिशमेंट। न्यू हर्ब्स हेयर स्किन विटामिन टॉक्सिन फ्री है, इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई डोपिंग एजेंट नहीं है और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है। और इसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया है जिनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। न्यू हर्ब हेयर स्किन विटामिन को आप एक ग्लास पानी के साथ ले सकते हैं दिन में 2 बार, और हाँ इसे खाने के करीब 30 मिनट्स बाद लेना है। इसमें है 60 कैप्सूल्स और एक आस्क एन एक्सपर्ट कॉन्टेक्ट नंबर भी है जिस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। न्यू हर्ब हेयर एंड स्किन विटामिन फुलफिल करता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द एंटी ऑक्सीडेंट केयर ऑफ हेयर एंड स्किन, और ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जिससे मेरा पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है और मैं सारे काम और अपनी जिम्मेदारियां निभा लेती हूं, और वो है मेरा सुबह उठना। जब मैंने पढ़ाई भी शुरू करी थी ना तो मुझे परमिशन इसीलिए मिली थी कि मैं अपना काम सुबह उठ के जल्दी ख़त्म कर दिया करती थी, और जब तक सब सो के उठते थे तब तक तो जाड़ों में मैं अपने बच्चों को नहला के कंबल में दुबका भी दिया करती थी। और उसके बाद जब एक फेज़ खराब आया ना तो अपने आप को निकालने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ
ढूंढी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना पूरा दिन प्लान करना स्टार्ट किया। तो जब मैं सुबह जल्दी उठी तो मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, पहले भी कर लिया करती थी, लेकिन जब आप थोड़े से मेंटली वीक होते हो तो आप अपनी ये स्ट्रेंथ भूलने लगते हो। इसीलिए मैंने फिर से अपनी आदत बनाई और सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। तो बिल्कुल सही बात है, मेरी सुबह ही डिसाइड कर देती है कि मैं कितनी खुश रहूंगी। ये काम नहीं आता, इसे वो काम नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें सुनने को हमेशा ही मिलती रही हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देके मैंने कहा कि कुछ तो सीखो यारों, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रही। तो जब एक डार्क फेज आया, वैसे तो बुरा वक्त अपने आप में ही बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त से निकलने में काम आई मेरा ये जज्बा कि कभी ना कभी, मतलब हमें ना कुछ सीखना चाहिए। वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, अपना जो मैंने वेट घटाया था, सबसे पहले 35 kg मैंने वेट लॉस किया था, बहुत अच्छे दोस्त बने और एक बुरे समय से निकलने में मुझे बहुत ही मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने नए पैशन मैंने हमेशा से जगाए हैं, गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, धूप में खड़े होके भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले माली आए थे तो उनसे मैंने सीखा कि किस तरह से जड़ों को काट के पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसके लिए मुझे धूप में खड़ा होना पड़ा, तो मेहनत करना सीखा है। लाइफ में ये चीज़ तो मेरे पास शुरू से रही है, सबसे पहले स्कूटी चलानी सीखी जो अमर ने दिलाई, उसके बाद गाड़ी सीखी, ये वो बहुत कुछ चीजें सीखती रही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अपने काम में कभी भी ये नहीं मैं सोचती कि ये छोटा है बड़ा है, अपना काम हमेशा बड़ा होता है। अगर हमें ही उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो दुनिया तो हंसी उड़ाएगी। तो जो भी करना है वो बहुत स्ट्रांगली करना है, ये चीज दिमाग में दोबारा से जगाई और उस टाइम से मैं निकाल पाई। ये वाले वो पौधे हैं जो मैं नए लेकर आई हूँ, इसमें मोंगरा के हैं और कुछ बेल हैं बड़ी अच्छी अच्छी कौन सी बेल है ये? राखी बेल है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। इसमें जो फूल आते हैं वो बड़े गुच्छे में आते हैं, रेड कलर के और ब्लू कलर के, दो बेल हैं। एक येलो कलर के जो फूल आते हैं उनकी बेल में लेकर आई थी, वो हमने लगा दिए। धूप हो रही है बहुत तेज, अंदर जा रही हूँ। तो अभी मोंगरे के पेड़ लगेंगे। ये कौन सा है? चमेली, हरसिंगार, बेलें और मोंगरा और कनेर हमने बाहर लगवा दिए हैं सारे। और हाँ, ये वाले भी दो आए थे प्लांट, ये जो मेरे पास लगे हुए हैं ना, ये जो मेरी फ्रेंड है उनका यूट्यूब पे मैसेज आया था कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वहाँ पे जब वो थी तो उन्होंने वहाँ पे इसी तरीके के पौधे लगाए जाते थे, तो मैंने ये दो और लिए हैं, इन दो को भी लगा लिया है। अभी शाम को पानी लगाएंगे, वैसे तो सुबह मैंने पानी लगा दिया था। मिट्टी तो हमने तैयार करवा दी थी कल, अभी सब में मिट्टी इमोशन होना एक इंसानियत की पहचान होती है, लेकिन यही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम बेवकूफ़ भी बहुत बनते हैं और यही कारण भी बनते हैं कभी कभी हमारे दुख के और परेशानियों के। तो हमें कन्वर्ट करना है अपने इस इमोशंस को ना प्रैक्टिकल चीज़ में, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मैंने आपसे बार बार कहा है इमोशंस अच्छे होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि वो आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएं। घर से बाहर निकलकर किसी पर विश्वास ना करना, ये मेरी एक आदत रही थी। मैं घर पे बहुत विश्वास किया करती थी, लेकिन जब मुझे घर के अंदर से ही धोखे मिले तो दोस्त बनाए, उन दोस्तों ने एक सही राह की मुझे जो है एक सही राह दिखाई, लेकिन वो तभी हो पाया जब मैंने इमोशंस को प्रैक्टिकल वे में सोचना स्टार्ट किया। तो इसी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई हम अगर कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे हम एक स्ट्रेस की वजह से एक मेंटल हेल्थ को ना वीक करते जाएंगे और धीरे धीरे उसमें डूबते जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना अच्छा वक्त ना बुरा वक्त। अगर अच्छा वक्त रहे ना तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त ज़रूर आता है, और जब बुरा वक्त रहे तो उसे ये सोच के काट देना चाहिए कि अब अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। ये मेरी थ्योरी है, इसीलिए हमेशा चाहे कैसा भी टाइम रहे अपने आप को बैलेंस करके रखिए। तो बैलेंस रखिए, ना खुशी में बहुत खुश और ना दुख में बहुत दुखी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प करी और मैं अपनी उन चीज़ों से निकल कर आ पाई
जो मुझे वाकई बहुत परेशान कर रही थी। अपने आप को किसी से मैं कभी कंपेयर नहीं करती, मेरी जर्नी मेरी अपनी रही है। आज मुझे उन सारी चीज़ों पे फ़ख्र है कि मैंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला। अब ना शिकायतें हैं मेरे पास, ना एक्सपेक्टेशंस हैं, सिर्फ मेरी और बच्चों की और मेरी अपनी फैमिली की एक अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत जल्दी मैं चीज़ों को जो है दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती हूँ, सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ और बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं खुश हूँ, मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला। आज आपके साथ ये चीज़ें इसीलिए मैंने शेयर करी कि मैं एक अपनी जर्नी बताऊँ। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन चार पाँच चीज़ों को भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो कभी भी किसी चक्कर में पड़ोगे ही नहीं। तो सुबह जल्दी उठो, अपने आप में मस्त रहो, बच्चों से अच्छी बॉन्डिंग रखो, बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन्हें गाइड करो, अपने फर्ज निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ चीज़ें थी कि वो बुरा वक्त मेरा निकल गया। बुरा वक्त तो नहीं कहूँगी, बहुत कुछ चीज़ें उसने सिखा दी, इंसान की पहचान करनी सिखा दी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे यूट्यूब पर आने का मैंने डिसाइड किया और आज मैं आपके सामने हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है जिसकी कि कोई सीमा ही नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप लोग ज़रूर बताना, मुझे सजेस्ट करना। आप लोगों के इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।